हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे एसिडीज कॉज्ड बाय वायरसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे कॉमन और इनक्यूरेबल एसटीडी, दैट इज एड्स। एड्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल जो है एड्स के बारे में वो चैप्टर 8 में आएगी, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एड्स के फुल फॉर्म क्या है? एड्स एक डिजीज है जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? एक टर्म होती है डिजीज और एक टर्म होता है सिंड्रोम। क्या मतलब है दोनों का, कोई बता सकता है मुझे? डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? डिजीज करेबल होता है, सिंड्रोम करेबल नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। और कुछ मैम? इसमें बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं। ये कौन बोला, रोहिणी? यस मैम। हाँ, तो डिजीज क्या है? डिजीज जो है एक बीमारी है जिसमें कोई एक सिम्टम या कुछ सिम्टम हो सकते हैं। जब बहुत सारी डिजीजेस मिल जाती हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंड्रोम। ठीक है, कई सारे सिम्टम से एक डिजीज बनती है और कई सारी डिजीज जब मिल जाती हैं तो वो कहलाता है एक सिंड्रोम। ठीक है, एक डिजीज से ज्यादा डिजीज के सिम्टम्स जिसमें हो, दैट इज बेसिकली अ सिंड्रोम। तो एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। भी हम कहें एड्स के ये लक्षण है, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी बीमारी आसपास फैली हुई होगी उस बीमारी के लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, इसीलिए हम इसे सिंड्रोम बोलते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, स्वीयर कमी हो जाती है इसमें इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी जो सेल्स हमें देते हैं, जिनकी डिटेल हम चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, तो वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई सारी बीमारियां जो हैं उस पर्सन को अटैक कर देती हैं। और एक सिंपल सी, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, या इवन जुकाम ही हो गया, ऐसी सिंपल सी बीमारियों से ही वो पर्सन मर जाता है। ठीक है, तो दिस इज एड्स। एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स जो है बेसिकली एक हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC होते हैं, एक तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। सबसे ज्यादा रोल जो है वो टी लिम्फोसाइट्स प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी में। मतलब बाहर से शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आएगा तो उससे सबसे एक्टिवली, और ऐसे हम कहें कि सबसे आखिरी हमारे पास हथियार क्या है लड़ने का, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। तो जो HIV वायरस है ये क्या कर रहा है? HIV वायरस टी लिम्फोसाइट्स को अटैक कर रहा है। मतलब आपने अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए आपने जो है एक सिक्योरिटी गार्ड को अरेंज किया और वो सिक्योरिटी गार्ड ही आप पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो आपका बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स को ही अटैक कर रहा है HIV वायरस। अब इस केस में क्या होगा? इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, यानी कि इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। इम्यूनिटी खत्म तो आसपास जो बीमारियां हैं वो सब बीमारियां उस पर्सन को घेर लेंगी और वो खत्म हो जाता है। आज अगर किसी के अंदर HIV वायरस जाता है तो इमिडिएटली, हमें पहले नहीं पता चलता था, अब हमारे पास कई बहुत अच्छे टेस्ट आ गए हैं। पहले सिंपली जो है ब्लड टेस्ट कराए जाते थे, लेकिन ब्लड टेस्ट में 6 मंथ से पहले ये वायरस नहीं दिखता है, क्योंकि ये वायरस जाकर छुप जाता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जाके छुप जाता है, ब्लड के अंदर होता ही नहीं है। एंटर जरूर ब्लड के थ्रू करता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू करता है, लेकिन उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स में दिखता ही नहीं है, इसीलिए टेस्ट में नहीं आता। 6 महीने बाद जब इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये ब्लड में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हमारी बॉडी के अंदर अगर एक सिंगल HIV वायरस है, सिंगल HIV है या डेड HIV भी है, तो भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक है हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ी थी, दैट इज ELISA। ELISA की फुल फॉर्म क्या थी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट
ऐसे ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दूसरा एक और टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी हम इसको यूज करते हैं कंफर्म करने के लिए कि एलिजा में जो पॉजिटिव आया है वो एचआईवी वायरस ही है। तो ये दो बेसिकली टेस्ट हैं जो हम यूज करते हैं। एड्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसकी ट्रांसमिशन जो है वो वाया ब्लड, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो जिसका ब्लड लगाया गया है उस पर्सन को, वो ब्लड अगर एचआईवी उसके अंदर वायरस है तो उसके अंदर भी वायरस पहुंच जाएगा। और दूसरा ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सीमन के थ्रू मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड है 6 months to 10 years। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आज अगर किसी की बॉडी के अंदर एचआईवी जाता है तो उसके अंदर सिम्टम नहीं आएंगे, 6 महीनों से लेकर 10 साल तक लग जाते हैं सिम्टम्स के आने में। यानी कि अगर उसको 10 साल तक एड्स के सिम्टम नहीं आते हैं तो वो 10 साल तक वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव कहलाएगा, और जब उसमें सिम्टम्स आएंगे तो हम कहेंगे कि उसको एड्स हुआ है। जब वो कई सारी बीमारियों से घिर जाएगा तो हम कहेंगे कि उसको एड्स हुआ है। ट्रीटमेंट अनक्यूरेबल, हमारे पास इसका ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज है। हम इस बीमारी में कुछ ऐसी ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, उनको यूज करके पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसका ट्रीटमेंट एक ही तरीके से कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाकर, क्योंकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। लेकिन इट्स लाइक कि जैसे हम उससे लड़ने के लिए अपने आप को अगर ज्यादा ताकतवर कर ले तो ही कोई सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन फाइनल हम कहें कि हम बचा लेंगे पेशेंट को, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी ऐसी एक डिजीज है जो कि अगेन फैटल है, दैट इज हेपेटाइटिस बी, जिसे आप यहां कॉमनली काला पीलिया के नाम से भी जो है जानते हो। हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या करता है, सिम्टम्स क्या है इस बीमारी के, क्या करता है ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें फैटीग, फैटीग का मतलब होता है थकावट, ठीक है। दूसरा है जॉन्डिस, पीलिया जिसे आप बोलते हैं, परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, लगातार हल्का सा बुखार बने रहना, ठीक है। और बॉडी पे कहीं भी रैशेस हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है, परमानेंट लिवर के टिश्यू का हार्ड हो जाना, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमें लिवर को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ जाता है। आगे चलकर लिवर का कैंसर हो जाता है, और इसका डायग्नोसिस जो है वो भी हम एक टेस्ट के थ्रू करते हैं, और टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट। ठीक है, इसको लिखने में टेस्ट को हम कैसे लिखते हैं, HBSAG, इस तरह लिखते हैं, हेपेटाइटिस बी का ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का टेस्ट। इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में आती है, और अगर और अच्छे से कंफर्म करना है तो अगेन एलिजा, ठीक है। तो इस तरह से हम हेपेटाइटिस बी को करते हैं। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू,
मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में जा सकती है, सलाइवा के थ्रू, किसी का जूठा अगर खा रहे हैं तो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का ब्लड लिया है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से इंफेक्टेड था तो भी हो सकता है, ड्रग एब्यूज, स्पेशली वीनस ड्रग एब्यूज। मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शंस लगाते हैं, और वो इंजेक्शन जो लगाते हैं वो उसमें सिरिंज जो है वो एक कॉमन ही यूज करते हैं। अगर उनमें से कोई एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो सभी को वो इंफेक्शन इमिडिएटली पहुंच जाएगी, तो वीनस ड्रग एब्यूज इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईयर एंड नोज पर्सिंग, ये भी नहीं आपने सोचा होगा, जो लोग कान में होल्स करवाते हैं, कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि वो जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन कॉमन जो है सभी के लिए यूज कर देते हैं, तो वो आपके स्किन के अंदर जा रही है, ब्लड से कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो उससे अगर एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट के अंदर गई है तो सभी को हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। ऐसे ही टैटू बनवाने से भी हो सकता है, और रेजर्स शेयरिंग, जो लोग जैसे नाई के पास जाते हैं, सलून्स में जाते हैं, तो रेजर्स वगैरह कॉमन यूज करते हैं, जो एक रेजर यूज किया वही आगे सभी में यूज कर देते हैं, इस कंडीशन में भी जो है हेपेटाइटिस बी जो है वो फैल सकता है। अवनीत आपका माइक ऑन है, इसको बंद करो, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 30 to 80 डेज लगते हैं, हालांकि अगर हम क्लिनिकली देखें तो हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट होते हैं वो सालों साल उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी है, वो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहते हैं, यही होता है कभी अच्छे से डाइजेशन नहीं हुई, कभी जो है उनको थकावट रहती है हल्का सा, वो ऐसे सोचते चलो ये तो कॉमन से सिम्टम्स है, हम वैसे थक गए होंगे, कुछ गलत खा लिया होगा इसीलिए पेट दर्द है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, और जब लिवर पूरा खराब हो जाता है तब इसके बारे में पता चलता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट जो है इट इज ऑल्सो इनक्योरेबल, इसका भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है, अगर पहले ही वैक्सीनेशन लगवा ली जाए तो इससे बचाव जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डिजीज है, दैट इज हेपेटाइटिस सी। हाँ जी मैम, अगर हेपेटाइटिस बी हो जाए किसी को उसके बाद वैक्सीन लगवाए तो वो सही नहीं हो सकता? नहीं, वैक्सीन एंटीबॉडीज देती है, वो बचने का तरीका है, जब हो ही गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी भी हम एलिजा से ही चेक कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट ही हमें बता सकता है कि कौन सा वायरस है, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, परमानेंटली लिवर जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। वायरस से होने वाली जितनी भी डिजीजेज हैं वो सब इनक्योरेबल ही होती हैं, जैसे कि नेक्स्ट डिजीज है जेनाइटल हर्पीस। हर्पीस आपने सुना होगा, इसको कॉमनली कहते हैं जनेऊ, सुना है किसी ने डिजीज, इसमें जो दाने होते हैं है ना, इस तरह से एक पूरी एक लाइन में इकट्ठे ऐसे से करके इस तरह की फॉर्म में चेस्ट पे ज्यादातर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जेनाइटल्स पे, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर हो हर्पिस वायरस तो जेनाइटल हर्पिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस का नाम है जो ये डिजीज करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो है क्या करता है, सबसे पहले एक जख्म से, एक लीजन से स्टार्ट होता है शरीर पे, जो जेनाइटल्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर या बाहर एक छोटा सा लीजन यानी कि एक जख्म होगा, फिर वो जख्म जो है उसमें जो है थोड़ी सी पस भर जाएगी, दैट विल बिकम वेसिक्यूलो फिस्टुलर। वेसिकल यानी कि राउंड शेप का है, पुस्टुलर यानी कि इसके अंदर अब पस भर जाती है, तो व्हाइट व्हाइट सा जैसे पस भरा हुआ दाना है इस तरह का दाना हो जाता है, जो कि रेड हो जाता है और पेनफुल होता है, रेड होने को हम बोलते हैं एराइथमेटस, एराइथमेटस,
एराइथ्रो मतलब रेड, रेडनेस हो जाना मतलब एराइथ्रोमेटस जो है ये लीजन, जो जख्म है वो लाल हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी होती है। ऐसा ज्यादातर होता है पेरी एनल रीजन में। पेरी एनल रीजन क्या है? एनल्स, जहां से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स टूल्स डेली लैट्रिन बाहर निकालते हैं, उसके आसपास इस तरह से जो है लीजन्स जो है इस तरह के जो जख्म है वो बन जाते हैं। ज्यादातर फीमेल्स के अंदर इसके सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेल्स में सिम्टम कम दिखते हैं, फीमेल्स में सिम्टम जो है वो ज्यादा जो है स्वियर हो जाते हैं। और क्या सिम्टम्स होंगे इसके अंदर? फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, कॉमन से सिम्टम्स हैं, सबको लगेगा मुझे भी होता है ये, पेन, इचिंग, इवन कि कई बच्चे भी इन डिजीज के साथ ही पैदा होते हैं, जेनाइटल हर्पीज, एचआईवी, अगर मदर को है या फादर को है तो पैदा होते बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस जो है वो एंटर कर जाते हैं, पैदा हुए बच्चों में भी ये बीमारियां देखी जाती हैं। वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से बुरी स्मेल वाला, गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज होगा, और रिपीटेड इंफेक्शन, बार बार जो है जेनाइटल्स की यानी कि यूट्रस की, सर्विक्स की, वेजाइना की इन्फेक्शन जो है बार बार, दवाई लेने से ठीक हो जाएंगी फिर दोबारा हो जाएंगी, ये चलता रहता है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम जेनाइटल हर्पिस का? एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स, अगर हमें ये सब लक्षण दिखे, ये सब सिम्टम्स दिखे तो हम समझ जाएंगे। दूसरा पीसीआर हम कर सकते हैं वेजाइना से या जेनाइटल से जो सिक्रीशंस आई हैं उनको लेकर, उनको मल्टीप्लाई कराकर देखते हैं। अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई या वायरस मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब वो वायरस या बैक्टीरिया उसके अंदर है और उसी ने ये इन्फेक्शन की हुई है। या हमने पढ़ा था एक टेस्ट डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये थोड़ा सा टॉपिक है, ये आपको चैप्टर 6 में बताएंगे। ट्रीटमेंट, अगेन नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर जेनाइटल हर्पीस। एंटीवायरल्स तो हम सब में दे देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन भी दे देते हैं, पर एज सच इसका कोई भी असर नहीं है, हम पेशेंट नहीं सकते हैं। मैम किसी का माइक ऑन, हाँ पीछे बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है मैम, शायद रिपन का है। मैम किसका माइक ऑन है भाई? अभी तो बंद है सबका, माइक नहीं ऑन हो प्लीज। नेक्स्ट डिजीज है जेनाइटल वॉर्ड्स। अच्छा आज मुझे याद दिलाना, मैं इन सबकी पिक्स आपको सेंड करूंगी कि ये कैसे दिखती हैं डिजीजेस, ठीक है? जेनाइटल वॉर्ड्स, इसका कारण है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सिम्टम्स जो है वॉर्ड्स बन जाते हैं, वॉर्ड पता है क्या होता है? पैरों में भी हो जाते हैं वॉर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, घट्टा या कॉर्न, पैरों में ऐसे जैसे पत्थर सा हो ना, जैसे छोटे से कंकर जितना। यस मैम, ये यहाँ पर ऐसे कंकर जितना, इतना हार्ड, ऐसे एक जख्म सा बन जाता है, बहुत ही हार्ड होता है ये, और किसी भी दवाई लेने से इसे ठीक नहीं होता। इसको बोलते हैं कॉर्न या वॉर्ट। लेकिन अगर ये पेपिलोमा वायरस का है और जेनाइटल्स पे हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत इसके अंदर जो है कई तरह के सॉल्यूशंस बनाकर हम उसके ऊपर लगाते हैं, उसको जला देते हैं वॉर्ट पे, चाहे वो बॉडी पे कहीं भी हो। वॉर्ट का हमारे पास यही ट्रीटमेंट है कि हम उसके ऊपर ना गर्म जो है इसको गर्म करके, इसको बोलते हैं हम कॉटराइजेशन, गर्म गर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स रख के इसको जला देते हैं और स्किन जो है वो जल जाती है साथ में, लेकिन चलो वो कुछ दिनों में हील हो जाती है। और इसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको ऐसे ही बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही हार्ड कंसिस्टेंसी का एक जख्म सा जो है वो डिवेलप होने लग जाता है स्किन और म्यूकोजा के अंदर, स्किन के और अंदर वाली लेयर के अंदर।
ज्यादातर ये वुमेन के अंदर सर्विक्स या वजाइना के अंदर पाया जाता है, सर्विक्स या वजाइना के अंदर ये हमें मिलता है। कि कौन है जो बीच में बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? डायग्नोसिस मैम आपने जलाने को क्या बताया था? कॉटराइजेशन। डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू और इसको डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जेनाइटल वॉर्ड्स हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ही पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट एक इसका थोड़ा स्पेशल है, एक तो कॉटराइजेशन तो की जा सकती है, लेकिन अगर ये सर्विक्स के अंदर है, वजाइना के अंदर है, तो कॉटराइजेशन मुश्किल है। ऐसे में हम करते हैं क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे हम इसको जो है फ्रीज कर देते हैं और ये अपने आप निकलकर बाहर आ जाता है वॉर्ड। ऐसा हम कर सकते हैं। या इसके अलावा एक सॉल्यूशन बनाया जाता है पोडोफाइलियम प्रेपरेशन, इसका एक जो है सॉल्यूशन सा बनाया जाता है पोडोफाइलियम का, और इसकी जो जड़ होती है जिसे हम बोलते हैं राइजोम, प्रॉपर रूट जैसी नहीं होती, राइजोम होती है, इस राइजोम को लेकर हम इसका जो है ड्राई करके और फिर उसको पानी में एक सॉल्यूशन बना देते हैं, वो बिल्कुल एसिड की तरह काम करता है, और उस सॉल्यूशन को हम जहां पर वॉर्ट है वहां पर वॉर्ट पे लगा देते हैं और कुछ टाइम बाद वो अपने आप सूख कर झड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं पोडोफाइलम पेपरेशन। तो ये सब ट्रीटमेंट जो है हम वॉर्ट्स के लिए कर सकते हैं। ये थे ऑल द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। कौन कौन सी की हमने? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं, फिर हमने उसके बाद की हेपेटाइटिस बी, अगेन नॉट क्योरेबल, इसका भी कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस सी, इट इज आल्सो इनक्योरेबल, वायरस वाली कोई भी डिजीज होगी, इवन की सिंपल सर्दी जुकाम भी है तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। हम सिर्फ सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ दवाइयां दे सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही है जेनाइटल वॉर्ड्स एंड जेनाइटल हर्पीस, जो हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही अटैक करते हैं। इनका भी हमारे पास वॉर्ड्स का जो है ट्रीटमेंट है कि हम उसको उखाड़ दें, निकाल दें, जड़ से निकाल दें, लेकिन कई बार इसमें भी जो है फेलियर रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर उसकी थोड़ी सी भी वॉर्ड की रूट्स अंदर रह जाती है तो कुछ दिनों बाद फिर से एक नया वॉर्ड जो है वो तैयार हो जाता है। इसीलिए नीचे तक पूरी स्किन को अच्छे से सारा जला दिया जाता है, और क्योंकि जली हुई स्किन तो हील हो जाएगी थोड़े दिनों में, लेकिन अगर इसकी रूट्स रह गई तो ये फिर से नया वॉर्ड बनकर तैयार हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैम हां जी मैम, हेपेटाइटिस सी के